आपको सीधा यूपी विधानसभा लेके चलते हैं, क्योंकि आज दूसरा दिन है और जैसा कि आपने देखा कि लगातार विरोधी जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आज का क्या कुछ नजारा है, सदन की कार्यवाही कैसे चल रही है, सीधा आपको लाइव दिखाते हैं। आप स्थगन चाहते हैं, आप स्थगन चाहते हैं कि शोर मचाना चाहते हैं? आपका कोई वाक्य नहीं लिखा जा रहा है। आपका कोई वाक्य नहीं लिखा जाएगा, कार्यवाही का भाग नहीं होगा आपका कोई अंश। आपका कोई अंश कार्यवाही का भाग नहीं होगा। ये विधानसभा चौराहा नहीं है, चौराहा नहीं है मानी लल्लू जी, ये चौराहा नहीं है, सड़क नहीं है। आप विधानसभा का अनुशासन मानिए, आप इसे चौराहा ना बनाइए। आप चौराहा बना रहे हैं विधानसभा के सदन को। प्रश्न संख्या एक, माननीय मोहम्मद असलम। तैयार है देखिए, हाँ आपका प्रश्न है। अब आप चलिए अपने अपने में चलिए, सवाल होने दीजिए, आपका हो गया। आप राष्ट्रीय दल हैं, जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहे हैं और आप पांच सदस्य मिलकर पूरे सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं, पूरे सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं। मैं सदन की कार्यवाही 20 मिनट के लिए स्थगित करता हूं। सर सर कि इन लोगों की सरकार के मुकाबले कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत बेहतर है। मान्यवर, महिलाओं की ये लोग बात करते हैं, हर क्षेत्र में अपराधों में भयंकर कमी आई है और हम लोग सरकार हमेशा पीड़ित पक्ष के साथ खड़ी हुई है, ये लोग हमेशा अपराधियों के साथ खड़े होते रहे। आज जो यहाँ पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, ये लोग इन लोगों ने हमेशा अपराधियों का साथ दिया है। मानवा 1975 से लेकर आज तक देख रहे हैं, हमेशा अपराधियों का साथ दिया। ये क्या कहेंगे कानून व्यवस्था के बारे में? मैं सदन की कार्यवाही 20 मिनट के लिए स्थगित करता हूँ। मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया है। यूपी विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है और आज भी हंगामा देखने को मिला। सदन में विपक्ष का किस तरीके से हंगामा नजर आ रहा है वो आपने देखा कि लगातार महंगाई के मुद्दे को लेकर विपक्ष जो है वो सवाल खड़े कर रहे हैं। गैस सिलेंडर के जिस तरीके से दाम बढ़े हैं उसको लेकर भी विपक्ष हल्ला बोल रहे हैं और ऐसे में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान ही हंगामा शुरू हो गया और ऐसे में राज्यपाल ने 20 मिनट के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया है। तो आपको बता दूं कि बजट जो है वो 18 फरवरी को पेश होना है और ऐसे में लगातार जो है वो विपक्ष जो है वो हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। कल पहला दिन था, कल भी हंगामा देखने को मिला था महंगाई को लेकर और आज दूसरे दिन की शुरुआत में भी विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया। लगातार कई मुद्दों को लेकर विपक्ष जो है वो सदन में आवाज उठा रहे हैं। महंगाई जो है एक अहम मुद्दा है, कानून व्यवस्था को लेकर भी आवाज उठाते हुए विपक्ष जो है वो नजर आ रहे हैं। साथ ही कई विभिन्न विभिन्न मुद्दों को लेकर
सदन की कार्यवाही को देखते हुए स्थगित कर दिया गया, क्योंकि जिस तरीके से लगातार विपक्ष हल्ला बोल रहे हैं उसको देखते हुए सदन की कार्यवाही को 20 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो लगातार विपक्ष अलग अलग मुद्दों को लेकर सदन में उठा रहे हैं। महंगाई जो है वो एक अहम मुद्दा माना जा रहा है, जिसको लेकर कांग्रेसी विधायक का धरना प्रदर्शन शुरू से ही चालू था, और ऐसे में सदन के अंदर भी विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन में भी विपक्ष जो है वो हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता नरेंद्र यादव हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं। नरेंद्र, हमने देखा कि सदन की कार्यवाही को फिर से 20 मिनट के लिए स्थगित कर दिया और विपक्ष जो है किस तरीके से महंगाई को लेकर हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कुछ ताजा अपडेट है? देखिए, समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जो वॉकआउट किया है, इसके पीछे उनका कहना है कि महिला सुरक्षा पर चर्चा होनी चाहिए और जिसको लेकर चर्चा नहीं हुई तो वो लोग नाराज हो गए और नाराजगी के बाद इन्होंने वॉकआउट किया है। और समाजवादी पार्टी लगातार ये दावा कर रही थी कि महंगाई पे सरकार फेल है और बात की जाए अगर अपराध को लेकर तो कानून को लेकर इस पर सरकार फेल है। इसी के चलते आज समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने वॉकआउट किया है और सदन एक बार फिर रुक गया है। जैसा कि पहले से ही सूचना थी कि जो विरोधी दल है, विपक्ष है, वो एकजुट हो गया है और सदन की कार्रवाई में लगातार अड़ंगा डाल रहा है, क्योंकि उसके अपने मुद्दे हैं और लगातार उन मुद्दों को लेकर सदन में बहस चाहता है, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। इनका कहना है कि नियम 311 आज चर्चा कराया जाए और यही विपक्ष की मांग है, लेकिन सत्ता पक्ष यानी सरकार तैयार नहीं है इसको लेकर। इसी के चलते सदन से वॉकआउट किया है समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने, तो 20 मिनट के लिए सदन को स्थगित किया गया है और इसके बाद फिर सदन चलाने का प्रयास किया जाएगा। हृदय नारायण दीक्षित ने फिर से अपील की है कि शांतिपूर्वक सदन चले और विधायक अपना सहयोग प्रदान करे, लेकिन विपक्ष अपने मुद्दे पर, अपने रुख पर अड़ा हुआ है। वो कानून व्यवस्था और महंगाई को लेकर और महिला सुरक्षा को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है और 311 के तहत चर्चा कराए जाने की मांग कर रहा। जी बिल्कुल, लेकिन नरेंद्र, जिस तरीके से सदन के अंदर की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि लगातार बहसबाजी चल रही है, विपक्ष हंगामा कर रहे हैं, बैनर पोस्टर लेके चिल्ला रहे हैं, राज्यपाल के सामने भी वो लगातार नारे लगा रहे हैं, तो ऐसे में 20 मिनट के लिए सदन की कार्यवाही को रद्द किया गया है, पर उनके मुद्दे तो वही रहेंगे, वो फिर से हंगामा करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल, आसार तो यही दिख रहे हैं कि जिस तरीके से चर्चा कराए जाने की बात कर रहे हैं और अपनी आवाज को सुनने के लिए लगातार सरकार पर दबाव बनाए हुए हैं। अभी जब सदन फिर से शुरू होगा तो यही सीन फिर देखने को मिल सकता है, क्योंकि विपक्ष अपनी बात को लेकर अड़ा हुआ है और सरकार की कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। तो आज फिर अगर सदन शुरू होगा जब दूसरी बार, तो फिर ये हंगामा देखने को मिल सकता है। विधायक बेल में उतर सकते हैं और पोस्टर बैनर लेके सरकार के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, कानून व्यवस्था के खिलाफ नारेबाजी कर सकते हैं और अपनी पुरानी मांगे यानी महिला सुरक्षा पर चर्चा के लिए फिर एक बार अड़े रह सकते हैं। तो सदन की कार्यवाही लगातार आज दिन में भी बाधित दिखाई पड़ रही है। जी जी बिल्कुल नरेंद्र, पर मुद्दों की बात की जाए तो गैस सिलेंडर के जिस तरीके से दाम बढ़े हैं वो एक अहम मुद्दा जो है विपक्ष लेकर खड़े हुए हैं, बाकी तमाम कई मुद्दे हैं कानून व्यवस्था को लेकर है, पर खास करके सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के बारे में बात की जाए तो विपक्ष महिलाओं की सुरक्षा को लेकर या खास करके महिलाओं को लेकर किन मुद्दों को उठा रहा है सदन में? देखिए, महिला सुरक्षा के लेकर लगातार बातें हो रही है, जिस तरीके से छेड़खानी की घटनाएं हो रही है, महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही हैं और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसपे सरकार को काम करना चाहिए। विरोधियों का कहना है कि इस पे सरकार काम नहीं कर पा रही है, हालांकि सरकार की तरफ से महिलाओं की सुरक्षा के लिए तमाम टीमें गठित की गई थी और तमाम गाड़ियां भी लगाई गई हैं कि अगर कोई महिला सड़क पे छूट जाती है तो उसके लिए नंबर जारी किया गया है, उस पर फोन करें तो उसको घर तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से महिलाओं के प्रति उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़े हैं, उनका एक बड़ा ग्राफ है जिसको लेकर विपक्षी उन्हीं आंकड़ों को लेकर कार को घेरते हुए नजर आएंगे और इसकी शुरुआत सदन में हो चुकी है कि महिला सुरक्षा कर सपा के सदस्य अड़े हुए हैं और जब सदन शुरू होगा तो ये मुद्दा आगे वो जरूर बढ़ाएंगे। जी बिल्कुल, सपा के साथ साथ कांग्रेस के विधायक जो भी हैं वो भी हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं, पर बात करें जिस तरीके से वो नारा लगा रहे हैं कि जो महंगाई बढ़ी है उसको वापस ले, या जो भी कार्यकाल चल रहा है यूपी में देखा जा रहा है कानून व्यवस्था को लेकर, वो सारे जो नियम कानून बनाए गए हैं उन्हें वापस लेने की मांग की जा रही है, ऐसे में क्या कुछ बाहर चीजें निकल के सामने आ सकती हैं?
देखिए विपक्ष की अपनी मांग होती है, एक मुद्दा होता है और ये जनता के बीच जाने का भी इनका एक माध्यम होता है कि सदन में अपनी बात रखें और जोरदार तरीके से रखें, क्योंकि ये मौका होता है कि जनप्रतिनिधियों को जनता की तकलीफों को सामने रखना। लेकिन अगर मुद्दों की बात की जाए तो महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था, महंगाई जैसे बड़े मुद्दे हैं और विकास का एक बड़ा मुद्दा है सरकार की चुनौती बना हुआ है कि आखिर सरकार ने क्या किया है, धरातल पर उसका क्या लाभ मिला है, चाहे शिक्षा हो, रोजगार हो और स्वास्थ्य सेवाएं हो, ये सारे मुद्दे होते हैं जिनको लेकर विधायक अपनी बातें उठाते हैं सदन में। विपक्ष एक तरीके से लामबंद होता है, लेकिन गैस सिलेंडर का के दाम जैसे अचानक बढ़े और इधर उत्तर प्रदेश में सदन शुरू होने वाला था तो ये एक अच्छा मुद्दा विपक्षियों को मिल गया। कल जैसे कि सपा वालों ने कांग्रेस सिलेंडर लेके आए थे तो आज कांग्रेस के विधायक भी सिलेंडर लेकर आए हैं। जी तो बिल्कुल, आपने बात की थी विपक्षियों से, हमने देखा उनके हाथों में सिलेंडर नजर आता। बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र तमाम अपडेट के लिए।